सर जो आए थे यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, वो वास्को विजिट थी लोनावाला में ना सर, लोनावाला में थी। पुराना क्लाइंट भी हमारा, कल पुराना क्लाइंट भी मेरा, थोड़ा सा लोग हम लोग ने इंटीरियर किए थे, सर ने वास्तु किए थे, निरुल गई है हमारा जो फ्लैट होता है उसके अंदर में रूम होते हैं, तो व्हेन यू आर सीइंग एवरी रूम हैज सम फर्नीचर समथिंग, तो व्हेन यू प्लेस इट जैसे नॉर्थ कॉम को ओपन करते हैं बेडरूम है या अलग रूम है उसमें हमने नॉर्थ में कुछ टैबलेट इधर रखे या शूट सी ओनली द नॉर्थ ऑफ द एंटायर फ्लोर। देखिए नॉर्मली तो हमें नॉट ऑफ द एंटायर प्लॉट है, पहली बात तो ये है, ठीक है, नॉट ऑफ द एंटायर प्लॉट करते वक्त तो वो भी इतना सफिशियंट होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन साथ ही साथ हमें जो एक हर यूनिट को पूरा वास्तु मान के हम चेक करते हैं, हम जब किसी भी जगह का वास्तु मान के, तो ये ऑफिस है अगर हम लगा दिए तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान कर जाएगी। कई बार ऐसा होता है जैसे लोग ना क्या करते हैं, लाइट रेड लाइट का बहुत यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे जनरली ब्लू और ग्रीन तो इतना लोग नहीं लगाते, लेकिन रेड का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कई बार, कभी रूम में लगा दी कभी कहीं लगा दी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रेड लाइट उल्टे हमें नुकसान कर रही है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी अपनी एनर्जी देती है आपको। तो अगर आप वो पर्टिकुलर की लाइट अगर आपने लगा दी और वो लगातार जलनी शुरू हो गई तो वो आपको नुकसान करेगी, इसलिए हम भी लाइट लगवाते हैं वास्तु में, ऐसा नहीं, हम भी खुद बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट लगानी है, यहाँ पे ब्लू लगानी है, यहाँ पे रेड लगानी है, लेकिन वो देख के एज पर रिक्वायरमेंट लगवाई जाती है, गलत जगह पे लगी हुई लाइट नुकसान देगी हमेशा। एक्चुअली जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जब आप थोड़ा डिटेल में वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम तो हम अपने आप ही दूर कर सकते हैं, थोड़ी सी हमें अगर जानकारी हो जाए तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपने ही वर्किंग प्लेस पे या अपने घर में ही देख करके आप अपनी चीज़ों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ये इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आपको खुद आपकी चाबी वो देती है, होल्ड देता है, आप किसी और पर डिपेंड नहीं होते कि आप इससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, आप खुद कर सकते हो अपने लिए समाधान, इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। आप इतनी अच्छी चीज़ें हैं इनको अगर आप करते हो तो आपको अपने आप बदलाव मिलने शुरू हो जाता है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफिस का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी अपनी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी अपनी ताकत अच्छी हो जाती है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हर चीज़ में बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एकदम मिरेकुलसली काम करती है चीज़ें, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जब आप समझना शुरू कर देते हो तो फिर आप खुद रिलेट कर लेते हो मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसलिए हम तो पेंटिंग वेंटिंग में ही आसानी से हर एक को हर तरह की लगा देते हैं, स्टैचू पेंटिंग भी लगा देते किसी को, क्योंकि कई बार परेशानी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में होती है और उसको दूर करते ही एकदम से समस्या खत्म हो जाती है। बट अभी तो सर फैशन हो गया ना कि मतलब पिक्चर बनाने का है, ये बनाने का, अंदर से क्लाइंट लोग कह रहे थे कि अच्छा दिखना चाहिए, भले वो कुछ भी हो। देखो आप मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल ठीक करो, देखो हमारा भी काम दिन रात आर्किटेक्ट के साथ ही होता है, इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ होता है, अभी हम वास्तु कर रहे हैं तो हमारा और आपका तो चोली दामन का साथ है बेसिकली, अगर आप समझो तो, है ना भाई, हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता, और आज की तारीख में चूंकि वास्तु इतना हो गया कि आप लोगों का काम भी वास्तु में निकल सकता, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्यूटी है वो ये है कि हम क्लाइंट को बता दें कि भाई देखो ये ठीक है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो मानते हैं या नहीं मानते, फिर उनके अपनी कॉल होती है,
लेकिन